फाइंड सम ऑफ कोस पाई बाई 11 प्लस कोस 3 पाई बाई 11 प्लस कोस 5 पाई बाई 11 प्लस कोस 7 पाई बाई 11 प्लस कोस 9 पाई बाई 11। हाँ जी, इसका सम आपको बताना है किस तरीके से इजी बनाना है हमें। पहले तो कोस आया है, कोस आते ही साइन बटे साइन गुणा कोस, याद रखिएगा, है ना। अब आपको यहाँ देखना है कि अल्फा इक्वल्स टू आपका पाई बाई 11 है एंड बीटा इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा इसमें से, तो ये आ जाएगा 2 पाई बाई 11 एंड एन की वैल्यू देख लीजिएगा कि एन क्या है, 1 2 3 4 5, तो एन इक्वल टू 5 है। फॉर्मूला लगा दीजिएगा साइन एन, एन का मतलब 5 पाई 5 बीटा बाई 2, बीटा की वैल्यू 2 पाई बाई 11 डिवाइड टू, यहाँ नीचे लगाइएगा साइन 2 पाई बाई 11 बाई 2, और ये कोस है तो कोस लगा दीजिएगा। कोस में क्या होगा, फर्स्ट एंगल आपका पाई बाई 11 प्लस लास्ट एंगल 9 पाई बाई 11 बाई 2। हाँ जी, इतना बन गया है, सोल्व कर लीजिएगा, कोई ज़्यादा बड़ी वाली बात नहीं है। आप 2 से इसको काट सकते हो, तो यहाँ आपके पास बनेगा साइन 5 पाई बाई 11, इसको भी आप काट दोगे तो ये बनेगा आपका साइन 5 पाई बाई 11। अब यहाँ आप थोड़ा सा देखोगे तो क्या ये सेम है, नीचे वाला 5 पाई नहीं बनेगा आपका, पाई बाई 11 बनेगा, तो ये बनेगा पाई बाई 11 और यहाँ आपके पास बनेगा कोस ऑफ, इसको ऐड कर लीजिएगा, ये बनेगा 10, सॉरी आप इसका एलसीएम लोगे और सोल्व करोगे तो बनेगा 11 और ये हो गया 5 पाई बाई 11। हाँ, दुनिया जानती है ना, बच्चा बच्चा जानता है कि इसको 2 की ज़रूरी है, इसको 2 की ज़रूरी है। 2 की ज़रूरी क्यों है, क्योंकि ये बनाना चाहता है साइन 10 पाई बाई 11, और ये 10 पाई बाई 11 कैसे आया, ये आया 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 इंटू 5 पाई बाई 11, और नीचे हाँ आपके पास 2 साइन पाई बाई 11, और यहाँ आपके पास नज़र आ रहा होगा 10 पाई बाई 11। ध्यान से, 10 पाई बाई 11 आधे से ज़्यादा है क्या, यानी कि ऊपर वाला नीचे वाले के आधे से ज़्यादा है, तो आधे से ज़्यादा है, याद रखिएगा थर्ड क्लास की बात, आधे से ज़्यादा, तो क्या करना होता है, पाई माइनस थीटा, और पाई माइनस थीटा किस तरीके से निकालेंगे हम, जिन बच्चों को दिक्कत है वो यहाँ देखिएगा। हाँ जी, इसको क्या लिखेंगे, इसको ऊपर वाले को इस तरीके से लिखेंगे कि पता नहीं चलना चाहिए कि ये पाई माइनस थीटा है, तो इसको लिखेंगे 11 पाई माइनस पाई, हो गया 10 पाई बाई 11, और नीचे वाला हो गया है 2 साइन पाई बाई 11। हाँ जी, जेई मेंस का क्वेश्चन है, यहाँ बन रहा है आपका 11 पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, 11 पाई चेंज नहीं होता है पाई पे, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 11, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, और ये हो गया 2 साइन पाई बाई 11। हाँ जी, कैंसिल हो गए हैं, आपका आंसर आ गया है 1 बाई 2।